दोस्तों, अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और आपके चैनल पे अभी जो 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है वो अभी पेंडिंग है, आपके चैनल पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 4000 घंटा का वॉच टाइम, तो इस वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल से वॉच टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें हमने सब्सक्राइबर के लिए बताए हुए हैं कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर 5 से 10 मिनट में आप 1000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर ला सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइबर खरीदना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर परचेज कर सकते हैं। वहां से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है और हमें इस पर कैसे काम करना है। सिंपली इसे डाउनलोड करने के लिए चलेंगे प्ले स्टोर पर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है मल्टी व्यू ब्राउजर। यहाँ पे आप मल्टी व्यू ब्राउजर लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ आपको 3 नंबर पे मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। सिंपली आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप ये मन समझ लेना है कि मुझे ऐप की नेम पता चल गया, नाम पता चल गया, अब मैं इससे कंप्लीट कर लूँगा। दोस्तों अभी इसमें भी अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ बताना है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई बात हो वो आप मिस कर दे, उसके जरिए आपका कंप्लीट नहीं हो पाए, आप सही से इस पर काम नहीं कर पाए। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, 94 हो चुका है और ये 100% हो चुका है, इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेंगे और यहाँ पे मल्टी व्यू ब्राउजर ओपन होने के लिए रेडी है। सिंपली यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे 4 डिस्प्ले एक साथ चलेगा। यदि आप 6 चलवाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे मेनू पे, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पे 6 स्क्रीन चलेगा। जैसे आप एक वीडियो चलाते हैं तो 6 वीडियो चलेगा अगर आप चलाना चाहें तो, और अगर आप अपने चैनल से 1 घंटे कोई भी वीडियो वॉच करते हैं तो आपका 6 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा। ऐसा है ये वीडियो एप्लीकेशन के द्वारा ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक और बात ध्यान देना है कि आपके चैनल पे लॉन्ग वीडियो होना चाहिए, शॉर्ट वीडियो नहीं होना चाहिए। अब होगा ऐसे होगा 2 मिनट 4 मिनट का अगर आपके चैनल पे वीडियो होगा तब तो आप परेशान हो जाएंगे, स्किप करते करते भगाते भगाते प्ले करते करते, ऐसे नहीं चलेगा। आपके चैनल पर मिनिमम आधे घंटे का होना चाहिए, 20 मिनट या फिर 15 मिनट ऐसा होना ही चाहिए, तभी जाकर आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको प्ले कैसे करना है ये अब आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे प्ले प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है आपको। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब ऑप्शन आ जाएगा, यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना चैनल का नेम सर्च करना है। अपने चैनल का नाम सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपने नाम चैनल का नेम सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल इंडिया A to Z, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डिजिटल इंडिया A to Z, यहाँ पे आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा चैनल आ चुका है ऊपर ही, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बात और आपको ध्यान देना है कि अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना लो ऑल वीडियो का, जिसमें आपके चैनल पे जितना भी वीडियो हो, मतलब 10 हो 20 हो 50 हो, हो सकता है आपके चैनल पे 200 300 हो, तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक चैनल बना ले, उसमें जो भी बड़ा बड़ा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो हो उसमें उस प्लेलिस्ट में आप एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दें, और उसी प्लेलिस्ट को आपको ओपन करना है, प्ले करना है, ताकि सीरियल वाइज एक एक करके आपका ही वीडियो चले, दूसरे का वीडियो इसमें प्ले ना हो, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। आपको केवल प्ले करना ही होगा और कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपली मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करूँगा, आपको अपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और जिसमें आपको लॉन्ग वीडियो मिले, जिसमें आप लॉन्ग वीडियो ऐड किए होंगे, ज़्यादा टाइम का वीडियो ऐड किए होंगे, ज़्यादा वीडियो ऐड किए होंगे, उसको आपको प्ले करना है। सिंपली आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल में एक ऑल वीडियोज का प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा 28 वीडियो है टोटल यहाँ पे बना हुआ है। आज तक हमने जो भी हमने वीडियो अपलोड करते हैं इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक वीडियो को प्ले कर लेना है ऊपर वाले को। जैसे मैं ऊपर वाले पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरा वीडियो प्ले हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेट कर लूँगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे एक यहाँ पे ऐड आ चुका है, इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको आवाज़ कम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, वन पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा 6 स्क्रीन। फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ये वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जो लेफ्ट हैंड में आपको सबसे लेफ्ट में यहाँ पे मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 6 के 6 स्क्रीन पे दिखने लगेगा और ये बारी बारी से प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक वीडियो जो चल रहा है यहाँ पे एक ही फ़ोन में 6 स्क्रीन पे चल रहा, मतलब 6 जगह ये चल रहा। तो अगर अब हम अपने मोबाइल में 1 घंटे अपने वीडियो को चला लेते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे वॉच टाइम 6 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। आप मान लो अगर आपके घर में 4 मोबाइल है, आप एग्री चारों से 1-1 घंटा देख लेते हैं तो उससे कितना हो जाएगा, आप ही आप जोड़ लोगे कितना हो जाएगा। ऐसे करके आप कर सकते हो और अपने YouTube चैनल पे कंप्लीट कर सकते हो वॉच टाइम इससे। और एक और बात आपको ध्यान देना है इस पर कि अगर आप एक ही फ़ोन से कंटिन्यूसली अपना वीडियो रनिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वॉच टाइम ड्रॉप होने का चांस रहे। इससे इसलिए आपको क्या करना है कि डेली के डेली आपको 2 घंटा चलाना है और बारी बारी कोई कोई दूसरे दूसरे फ़ोन में आपको प्ले करना है। ऐसा नहीं कि एक ही फ़ोन में आपको प्ले करना है और एक ही फ़ोन से आपको करना है, ऐसे करना है कि अपने 1 घंटा इससे चला लिए, फिर 1 घंटा दूसरे फ़ोन से आप चला लिए, या फिर 2-4 घंटा चला लिए, मतलब 4-5 घंटे का कोई वो नहीं है। आप 4-5 घंटा चला सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा यदि चलाएँगे जैसे 8 घंटा 10 घंटा आप एक ही फ़ोन से प्ले करते हैं तो हो सकता है चांस है ड्रॉप होने का आपका वॉच टाइम। इसलिए आपको कंटिन्यू 8-10 घंटा एक फ़ोन से नहीं चलाना है, आपको बारी बारी से दूसरे दूसरे फ़ोन को चलाना है। सिंपली अब यदि आप वीडियो चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं 1 नंबर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सर्च आइकन पे क्लिक करूँगा, जो भी हमें चैनल सर्च करना है उसको सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद फिर से मैं अपना दोबारा से वीडियो को चूज कर सकता हूं जिसे मैं प्ले करना चाहता हूं, जिसे मैं प्ले कर लूंगा। ये वाला हमने वीडियो बनाया था कि हमने 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमने वीडियो बनाया था। इसको हमने प्ले किया, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर 1 नंबर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ 6 स्क्रीन पर 6 डिस्प्ले चलने लगेगा, 6 वीडियो एक साथ प्ले होगा मेरे एक ही फ़ोन में। दोस्तों ऐसे करके अपने अपने YouTube पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे टाइम पे।